और दोस्तों क्या हालचाल, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन्स जिनकी स्टार्टिंग होती है जस्ट ₹1000 से। और सबसे खास बात तो यह है कि इन सभी में से एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच भी है, वो भी बजटेड रेंज में। चलिए फिर आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि इन पांचों में से आपके लिए कौन सी वॉच बेस्ट है। तो आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर पर आती है ये T10 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच जिसके अंदर आपको दी गई है 2.09 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले, वो भी 500 निट्स की हाई ब्राइटनेस के साथ। लेकिन इसकी डिस्प्ले पीक सनलाइट में प्रॉपरली विजिबल नहीं रहती। इसकी प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो ये वॉच आपको अराउंड ₹1000 की पड़ जाएगी। स्पेक्स पर गौर कर लिया जाए तो इसमें आपको 7 अलग अलग तरह के वॉच फेसेस मिलते हैं एंड ये वॉच ब्लूटूथ के साथ आपको 3 डेज का और विदाउट ब्लूटूथ 5 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवा देगी। बाकी इसके क्राउन एंड टच कंट्रोल्स दोनों ही प्रॉपरली वर्क करते हैं। IP67 की वाटर रेसिस्टेंसी भी मिल जाती है, प्लस 5 अलग अलग तरह के मेन्यू स्टाइल्स भी जो एक से बढ़ के एक हैं। बाकी आप चाहो तो इस वॉच में कॉलिंग वगैरह कर पाओगे एंड हाँ, प्लीज इस वॉच में हार्ट रेट वगैरह चेक मत करना बिकॉज इस वॉच के सेंसर्स रिलायबल नहीं है क्योंकि ये मेडिकल यूज के लिए नहीं बनी। सो ऑब्वियस सी बात है जितने भी हेल्थ फीचर्स हमें इस वॉच में दिए गए हैं वो भी हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन आप अपने खाली समय में गेम जरूर खेल सकते हो। By the way, इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ नंबर पर मैंने रखा है इस बोल्ट की तरफ से आने वाली क्राउन स्मार्ट वॉच को। इसकी प्राइसिंग आपको अराउंड 1500 पड़ जाएगी। बाकी इसमें आपको दी गई है 1.95 इंच की एक HD डिस्प्ले। वहीं इसका जो इनर UI है वो मुझे उतना खास नहीं लगा, बट टच एंड क्राउन कंट्रोल्स दोनों ही बढ़िया है। और एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वॉच 45mm के साइज में आती है क्योंकि OG एप्पल वॉच अल्ट्रा का साइज 49mm है। बाकी एक चीज इस वॉच की बहुत ही तगड़ी है वो है इसके मेन्यू स्टाइल्स, क्योंकि इसमें आपको दिए गए हैं इनबिल्ड 7 मेन्यू स्टाइल्स जो नॉर्मल वॉचेस से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। बैटरी बैकअप पर नजर डाली जाए तो ये वॉच आपको ब्लूटूथ के साथ 5 डेज का और विदाउट ब्लूटूथ 7 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवा देती है। बट भाई इस वॉच में हेल्थ फीचर्स को यूज मत करना क्योंकि ये वॉच मेडिकल यूज के लिए नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि वॉच तो टेबल का भी BPM बताती है। इसके अलावा आप चाहो तो इस वॉच में कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात 4 से 5 तरह की अलग अलग गेम्स भी दी गई है जिन्हें खेलकर आप मस्त टाइम पास कर सकते हो। बाय द वे ये वॉच फिलहाल फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे बाय कर सकते हो। इसके बाद थर्ड नंबर पर आती है ये हैमर एक्टिव 2.0। इसमें आपको दी गई है 1.95 इंच की एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड ये वॉच प्रॉपर 49mm के साथ आती है। नंबर ऑफ इनबिल्ड वॉच फेसेस की बात कर ली जाए तो इसमें आपको दिए गए हैं 5 अलग अलग तरह के इनबिल्ड वॉच फेसेस। बाय द वे इस वॉच के भी क्राउन एंड टच कंट्रोल्स दोनों ही प्रॉपरली वर्क करते हैं। उसी के साथ साथ इस वॉच में आपको 5 अलग अलग तरह के मेन्यू स्टाइल्स भी दिए गए हैं। इसके बैटरी बैकअप पर गौर कर लिया जाए तो ये आपको ब्लूटूथ के साथ 3 डेज का और विदाउट ब्लूटूथ 5 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवा देगी। इसके अलावा IP67 की वाटर रेसिस्टेंसी भी मिल जाती है, बट इसे पानी से दूरी रखना। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी कि अगर आप इसके एक्शन बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप किसी भी बटन को कस्टमाइज कर सकते हो, वो भी खुद से। मेन फीचर्स पर गौर कर लिया जाए तो इस वॉच में आपको लगभग 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं और इन सभी स्पोर्ट्स मोड के अलावा भी आपको इस वॉच में अलग अलग तरह के हेल्थ फीचर्स मिल जाएंगे, बट इन सभी में से एक भी फीचर आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि इस वॉच के जो सेंसर्स हैं वो रिलायबल नहीं है, यानी ये जो वॉच है वो मेडिकल यूज के लिए नहीं बनी। बाकी कुछ और फीचर्स पर नजर डाली जाए तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर मिल जाता है और डेट एंड मंथ चेक करने के लिए कैलेंडर भी, जो मोस्टली वॉचेस में हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन इसमें किया गया है तो ये एक काफी बेटर इनिशिएटिव है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपके खाली समय को दूर करने के लिए इस वॉच में आपको 5 अलग अलग तरह की गेम्स भी दी गई हैं। अब इसकी प्राइसिंग की बात कर ले तो इसकी प्राइसिंग आपको पड़ जाएगी अराउंड 2000। वहीं आप चाहो तो इस वॉच को Amazon से बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, सेकंड नंबर पर हमने रखा है इस DW88 एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच को। वैसे देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर पर होनी चाहिए थी, बट कम बैटरी बैकअप होने की वजह से हमने इसे सेकंड नंबर पर रखा है। इसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो इसमें आपको दी गई है 2 इंच की एक IPS डिस्प्ले। वहीं आप चाहो तो इस वॉच में वाईफाई कनेक्ट करके भी इंटरनेट सर्फ कर सकते हो या फिर आप चाहो तो अपना सिम कार्ड भी इसमें इंसर्ट कर पाओगे बिकॉज इस वॉच में आपको 4G कनेक्टिविटी का सपोर्ट दिया गया है। पीछे मैं बैटरी बैकअप की बात कर रहा था तो इस वॉच में आपको ओनली 4 डेज का बैटरी बैकअप मिलता है, वो भी तब जब आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि इंटरनेट के साथ आपको ओनली 2 ही दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मेन फीचर्स की, तो जैसा कि आप लोग
देख सकते हो यहाँ पर मैंने इंटरनेट ब्राउजर ओपन किया और ये ओपन भी हो गया। प्लस मैंने इसमें अपना चैनल भी सर्च करके देखा एंड वो भी सर्च हो रहा था। इसके बाद हमने सर्वे सर्फर्स प्ले करके देखी, लिटरली ये भी इस वॉच में प्रॉपरली चल रही थी जब तक आप इस गेम का मजा उठाओ। नेक्स्टली दोस्तों इसमें आपको प्ले स्टोर वगैरह भी ओपन करके दिखा देते हैं। ऑलराइट भाइयों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो सारी एप्लीकेशन इस प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वहीं इसके बाद हमने यूट्यूब वगैरह भी ओपन करके देखा, जो रेंडरिंग टाइम था वीडियोस का वो भी एकदम प्रॉपरली था, किसी भी टाइप का डिले देखने को नहीं मिला। देन मैंने एक शॉर्ट वीडियो प्ले करके देखी, वो भी प्रॉपरली चल रही थी। सिंपली कहें तो जितनी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो सभी इस वॉच में चल जाएगी, बिकॉज इस वॉच में आपको दी गई है 1 GB रैम और 16 GB स्टोरेज। बाकी इस वॉच के बायलिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन विजिट कर सकते हो। फाइनली भाइयों, फर्स्ट नंबर पर मैंने रखी है ये MT9 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, बिकॉज इस वॉच में आपको दी गई है 2.12 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले, जो देखने में बहुत ही तगड़ा लगता है। प्लस इसका इनर UI वगैरह भी बहुत स्मूथ है। इसमें आपको 30 से भी ज्यादा इनबिल्ड स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं। यही नहीं, इस वॉच में आपको 1 GB की स्टोरेज भी मिल जाती है, प्लस आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स को अपनी वॉच में ही इम्पोर्ट कर पाओगे। बाकी एक चीज डिसअपॉइंटेड लगी कि इस वॉच में आपको ओनली 2 मेन्यू स्टाइल्स दिए गए हैं, लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि इस वॉच में आप कस्टम लोगो सेट कर पाओगे। उसी के साथ साथ इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग भी हो जाती है। बात रही बैटरी बैकअप की, तो एक बार चार्ज करने के बाद ये वॉच आपको अराउंड 7 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती है, बट ब्लूटूथ के साथ 5 डेज का और विदाउट ब्लूटूथ 7 डेज का। इसके अलावा वॉच IP67 रेटेड है, यानी आपको वाटर एंड डस्ट से टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आगे मैंने इस वॉच में हार्ट रेट वगैरह भी चेक करके देखा, मुझे लगा कि वॉच रियल डेटा शो करेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 30 से 35 सेकंड वेट करने के बाद भी इस वॉच ने हमें रियल डेटा शो नहीं किया। इससे आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि ये वॉच मेडिकल यूज के लिए नहीं बनी, और जितने भी हेल्थ फीचर्स इस वॉच में दिए गए हैं वो भी हमारे किसी काम के नहीं है। बाकी ये कंपास का फीचर बहुत यूजफुल है, ट्रैकिंग वगैरह के टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं अगर आपके पास बहुत पैसा है तो उसे गिनने के लिए आपके पास एक कैलकुलेटर या फिर कोई मशीन तो होनी ही चाहिए, तो ये स्मार्ट वॉच आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेटर भी दिया गया है। बाकी अगर आपको अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करना है तो इस पुलिस विसल वाले ऑप्शन को यूज कर लेना। अब बात आती है इस वॉच की प्राइसिंग की, तो ये वॉच आपको अराउंड 3500 की पड़ जाएगी। मुझे पता है रेट थोड़ा ज्यादा है, बट इतने सारे फीचर्स होने के कारण अफोर्डेबल है। अगर इसे बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट दोस्तों, इन पांचों में से आपकी सबसे फेवरेट वॉच कौन सी है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी इन सभी के बाय लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जरूर से चेक कर लेना। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।